हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कश्मीरी कॉन्ग फिरनी की रेसिपी। यमी, टेस्टी, डिलीशियस, बनाना उतनी ही ज़्यादा आसान। आप देख सकते हैं कितनी यमी ये लग रही है। रमज़ान का महीना चल रहा है, आप इसे इफ्तारी में बना सकते हैं और ईद भी आने वाली है, तो ईद में तो मैं रेकमेंड करूँगी इसे ज़रूर बनाएं। आपकी फैमिली फ्रेंड्स को बेहद पसंद आएगी। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है कुकिंग शुकिंग इंडिया बाय शगुन में। कॉन्ग फिरनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 लीटर दूध जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। नॉर्मल फुल फैट मिल्क मैंने यहाँ पे लिया है। अब मैंने यहाँ पे ले ली है 70 ग्राम सूजी। ये नॉर्मल सूजी है जो हर घर में अवेलेबल होती है। अक्सर जो फिरनी बनाई जाती है वो चावल से बनाई जाती है, लेकिन ये कॉन्ग फिरनी जो है वो सूजी से बनाई जाती है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है उबलता हुआ गर्म पानी। एक गिलास उबलता हुआ पानी ऐड किया है ताकि सूजी बढ़िया से पानी को अब्ज़ॉर्ब कर ले और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दूध आप देख सकते हैं, दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो इसे लगातार इस तरह से ना बीच बीच में चलाते जाएं। बीच बीच में चलाने से ये होगा कि दूध जो है वो बॉयल भी नहीं होगा और नीचे भी नहीं लगेगा। तो इसे बीच बीच में ज़रूर चलाएं, इसे बिल्कुल भी ऐसे ना छोड़ दें। बीच बीच में चलाते रहेंगे ना तो लगेगा भी नहीं और उबलेगा भी नहीं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख सकते हैं दूध में किस तरह से यहाँ पे बॉयल आ रहा है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। तो मैं यहाँ पे साबुत इलायची जो है ना वो इसमें ऐड करूंगी। इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि इलायची का ज़्यादा फ्लेवर मुझे नहीं चाहिए। 5 इलायची मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो इन्हें मैं 4 से 5 मिनट के लिए ना दूध में इसी तरह से पकने दूंगी ताकि थोड़ा सा जिसका फ्लेवर है ना वो दूध में आ जाए, क्योंकि इलायची को जब तक हम पीस के ना डालें, उसका पाउडर ना डालें ना, उसका ज़्यादा फ्लेवर दूध में नहीं आता है। तो इस तरह से साबुत इलायची मैंने यहाँ पर ऐड की है। और अब देखिए 5 मिनट के बाद अब मैं इलायची को बाहर निकाल रही हूँ। तो ये इलायची आप चाय बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इसे वेस्ट बिल्कुल ना करें। और दूध की क्वांटिटी भी पहले से काफ़ी हद तक जो है वो ना रिड्यूस हो गई है। तो यहाँ मैंने 8 से 10 पिस्ता जो है ना वो भिगो कर उनका पेस्ट बना लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पेस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छी सी थिकनेस भी देगा हमारी फिरनी को और फ्लेवर को भी एनहांस करेगा। और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनसे कई बार जो नट्स है वो चबाए नहीं जाते हैं, तो इस तरह से ऐड कर देंगे ना तो वो भी आराम से इस फिरनी को खा पाएंगे। एकदम सॉफ्ट सी मखमली सी फिरनी जो है ना वो बन करके रेडी होगी। तो बीच बीच में दूध को चलाना बेहद ज़रूरी है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी जो हमने भिगो करके रखी थी, तो वो अब इसमें ऐड कर दें। और देखिए सूजी पहले से कितनी ज़्यादा फूल गई है, सारे पानी को सूजी ने अब्सॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे पकाएंगे अच्छे से, जब तक कि जो हमारी फिरनी है ना वो बढ़िया से गाढ़ी ना हो जाए, स्पून कोटिंग कंसिस्टेंसी तक ना आ जाए, इतना हमें इसे पकाना है। इस बात का ध्यान रखें कि इसमें गांठें बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि कई बार सूजी ऐड करते ही ना इसमें गांठें आ जाती हैं। तो आप इसे इस बात का ध्यान रखें, गैस की फ्लेम लो करके जो है ना वो सूजी इसमें ऐड करें और इसे इस तरह से चलाते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे जो हमारी फिरनी है ना वो काफ़ी गाढ़ी होती जाएगी। और देखिए सूजी जो है ना वो यहाँ पे पकने लगी है। तो फिरनी आपने चावल वाली बहुत बार खाई होगी, लेकिन इस तरह से ये कॉन्ग फिरनी बना करके देखें, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी फिरनी है, झटपट बन जाने वाली फिरनी है। चावल भिगोने की टेंशन नहीं, चावल पीसने की टेंशन नहीं। चावल की फिरनी किस तरह से बनाई जाती है वो रेसिपी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा केसर। तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में केसर ऐड कर रही हूँ, आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम फ्लेवर आता है ना वो केसर से ही आता है। तो केसर जो है ना वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी में ऐड किया है। आप चाहें तो थोड़ा सा अगर इसे मॉडिफाई करना चाहें तो आप इसमें केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं, उससे भी इसमें जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। तब आप केसर को स्किप कर दें और केवड़ा एसेंस ऐड करें, बहुत यमी बनेगी। लेकिन केसर जो है ना वो इस रेसिपी की जान है, तो मैं ऐड कर रही हूँ लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे केसर जो है वो ऐड किया है। और आप देख सकते हैं पहले से जो फिरनी की कंसिस्टेंसी है ना वो कितनी गाढ़ी हो गई है, अच्छा सा एक कलर भी आ गया है फिरनी में। आप देख सकते हैं फिरनी की क्वांटिटी पहले से कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो गई है, कितनी गाढ़ी हमारी जो फिरनी है ना यहाँ पे लग रही है, किस तरह से इसमें जो बॉयल्स हैं ना वो आ रहे हैं।
अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। तो हमने जितनी सूजी ली है ना उतनी ही मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, यानी कि 70 ग्राम सूजी ली थी तो 70 ग्राम मैंने चीनी यहाँ पे ऐड कर दी है। बाकी बस आप पे डिपेंड करता है, आप किस हिसाब का मीठा खाते हैं तो उस हिसाब से चीनी की क्वांटिटी जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने चीनी ऐड नहीं की है, क्योंकि फिरनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी अच्छी नहीं लगती है। और पूरा दिन रोज़ा रखने के बाद ना कई बार मन नहीं करता कि बहुत ज़्यादा मीठा खाया जाए, तो मीठे की क्वांटिटी मैं रिकमेंड करूँगी कम ही रखें। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लें। और आप देख सकते हैं कितनी यम्मी जो फिरनी है ना वो यहाँ पे लग रही है। कॉन्ग फिरनी कश्मीर की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, रमज़ान में बनाई जाती है, ईद पे बनाई जाती है, तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही यम्मी रेसिपी बनती है और बनाना बहुत आसान है। चावल भिगोने का झंझट नहीं, चावल ग्राइंड करने का झंझट नहीं, झटपट ये बन जाती है नॉर्मल इन्ग्रीडियंट सूजी से। तो इसे अब मैं लगातार इस तरह से चलाते हुए पका रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी जो है ना हमारी फिरनी पहले से हो गई है, सूजी बढ़िया से पक गई है। तो देखिए स्पून को बढ़िया से कोट कर रही है, तो हमारी जो फिरनी है वो एकदम बढ़िया से रेडी हो गई है। फिरनी हमारी बन करके रेडी है, तो आइए चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। तो इन्हें मैं सर्व कर रही हूँ कुल्हड़ में, हर घर में मिल जाते हैं। अगर आपके पास मिट्टी वाला बर्तन हो जिसमें फिरनी सर्व की जाती है तो आप उसमें सर्व करें। और लीजिए यहाँ पे मैंने जो फिरनी है वो कुल्हड़ में ट्रांसफ़र कर दिया, थोड़े से पिस्ता और बादाम के साथ मैं इन्हें गार्निश कर रही हूँ। अगर आपके पास मिट्टी वाला बर्तन हो ना जिसमें फिरनी सर्व की जाती है तो आप उसमें सर्व करें, लेकिन तब आप क्या करें कि दूध की क्वांटिटी जो है वो 1 लीटर लें और सूजी की क्वांटिटी आप 50 ग्राम लें। ऐसा इसलिए क्योंकि मिट्टी एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेगी और जो फिरनी है वो एकदम गाढ़ी मलाईदार बनेगी। लेकिन मेरे पास ये कुल्हड़ है तो मैं कुल्हड़ में सर्व कर रही हूँ, इसलिए मैंने दूध की क्वांटिटी 1.25 लीटर ली थी और जो सूजी है वो 70 ग्राम ली थी, ताकि ये बढ़िया से पक जाएँ और अच्छे से गाढ़े हो जाएँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और थोड़े से बादाम से भी मैं इसे गार्निश कर रही हूँ। देखिए कितना यम्मी जो हमारी फिरनी है ना अभी से लग रही है, तो इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। तो फिरनी को आप ठंडा ठंडा सर्व करेंगे ना तो बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप ईद पे बना रहे हैं तो इसे सुबह बना करके रख लें और जब आपके गेस्ट आएँ आप उन्हें सर्व करें। ये बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है, तो इन्हें मैं फ्रिज में रख रही हूँ। फ्रिज में रखने के बाद इन्हें मैं सर्व करूँगी। लेकिन फ्रिज में रखने से पहले मैं क्या करूँगी ना, थोड़े से इन्हें एल्युमिनियम फॉइल से इस तरह से मैं कवर कर दूँगी ताकि इसमें आइस क्रिस्टल्स ना आए। तो इस तरह से आप एल्युमिनियम फॉइल से इन्हें कवर कर दें और फिर इन्हें फ्रिज में रख दें। तो इन्हें हमें फ्रीज़ नहीं करना है, रेफ्रिजरेटर में रखना है ठंडा करने के लिए। और लीजिए 4 से 5 घंटे के बाद मैं इन्हें निकाल रही हूँ। अच्छी सी जो हमारी फिरनी है ना वो ठंडी हो गई है, बढ़िया से सेट हो गई है। आप देख सकते हैं कितनी यमी जो हमारी फिरनी है, कॉन्ग फिरनी, वो लग रही है। इंस्टेंट फिरनी की रेसिपी है ये, चावल भिगोने की टेंशन भी नहीं, झटपट बन जाती है और आपकी फैमिली को, आपके गेस्ट को, बच्चों को ये बेहद पसंद आएगी। और सूजी है तो पेट के लिए भी अच्छी है, आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगी। तो इस ईद पे आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इफ्तार में इसे ज़रूर बनाएं, आप इसे सहरी में भी इंजॉय कर सकते हैं। एक स्पून मैं आपको यहाँ पर लेकर ज़रूर दिखाऊँगी कि हमारी जो फिरनी है वो कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स फटाफट से इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और लीजिए एक स्पून मैं यहाँ आपको लेकर दिखा रही हूँ, देखिए कितनी गाढ़ी एकदम मलाईदार जो फिरनी है ना वो बनी है। बहुत ही यम्मी रेसिपी है फ्रेंड्स, तो इसे फटाफट से ट्राई करें। मैं इसी तरह की बढ़िया और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।